फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जो मैं आज आपको अपने टेरेस पर अपने फूड प्लांट का जो है अपडेट दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से उनकी जो है ग्रोथ हो रही है और क्या उनमें चल रहा है, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि किस आपके जो फ्रूट प्लांट पपाया है या मैंगो है उनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो मेरे लगभग 20 के करीब जो हैं फ्रूट प्लांट ग्रो हो रहे हैं, तो मैं आप उनका सभी का एक अपडेट दूंगी। और जो मैं आपको ये फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ उसका एक रीज़न है ताकि आप इनको ज़रूर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेरेस पर मैक्सिमम फ्रूटिंग हो, आपको अच्छे से आपके जो फ्रूट है जो हमारे फूल बनते हैं प्लांट्स में, तो वो आपको आसानी से मिले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने टेरेस पर फ्लावर प्लांट्स ज़रूर ग्रो करें। क्योंकि ये जो फ्लावर प्लांट्स हैं ये हनी बी को, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, और जब ही आपके टेरेस पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तभी जो है आप बहुत अच्छे से फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये फ्लावर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, मेरा गवावा का प्लांट है और जो सबसे पहले मैंने अपने फ्रूट प्लांट में जो इसको शामिल किया था, और 4 साल से लगभग इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो ये देखिए, फ्रूट का साइज़ अब बड़ा होने लगा है और बारिश का भी थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो फल को जो है फूलने में यानी कि उसको बड़ा होने में हेल्प करता है। तो देखिए, अभी छोटे हैं और धीरे धीरे जो है इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है काफ़ी अच्छे से। देखिए, और ये काफ़ी अच्छे इसमें जो है मेरे गवावा लग गए हैं। मेरे पास एक प्लांट और भी है, यानी कि मैंने इसी से एयर लेयरिंग से तैयार किया था, उसका अपडेट भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा दूसरा गवावा का प्लांट है और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे से देखिए फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से इसमें भी फल जो हैं लग गए हैं और काफ़ी सारे फल आ गए हैं अभी, हालांकि छोटे हैं, धीरे धीरे जो है ये मैच्योर हो जाएंगे। कुछ थोड़ा सा देखिए अभी इसमें जो है फ्लावरिंग इसमें अभी भी हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा इस वाले मेरे प्लांट के अंदर जो है लेट जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई थी उस वाले प्लांट से। तो देखिए, अभी कुछ मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ बर्ड्स भी बन रही है इसके अंदर देखिए अभी, यानी कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों एक साथ स्टार्ट हो रखी हैं। तो ये देखिए, जो मेरा नेक्स्ट जो है मैंगो प्लांट, और ये मेरा दशहरी प्लांट है, और इसमें देखिए कितने अच्छे से जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, बहुत यानी कि साइज़ भी अब तो काफ़ी बड़ा है, कुछ दिनों में जो है मैच्योर हो जाएंगे ये। और ये देखिए कितना जो है बिगेस्ट जो है इनका साइज़ है। ये देखिए, अभी हालांकि टाइट है, थोड़ा कच्चा है फ्रूट मेरा, तो मैं इन्हें कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं इसी के अंदर इसको जो है येलो हो जाएं ये। अगर आप चाहें तो इन्हें कागज़ में अगर आप लपेट के रख देंगे तो ये अच्छे से और जल्दी यानी कि आपके फ्रूट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लगे हुए हैं, और देखिए यहाँ हैं, और ये देखिए इसका साइज़ भी काफ़ी जो है, ये दो लगे हुए हैं, अभी कुछ छोटे भी हैं इनमें। और ये देखिए, जो दशहरी में मैंने देखा है कुछ साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ थोड़ा छोटा भी रहता है। और एक ये देखिए मैंगो, इसका साइज़ भी कितना अच्छा सा मैच्योर हो गया है। और ये देखिए मेरा ऑरेंज का प्लांट, कितने अच्छे से जो है इसमें ऑरेंज का साइज़ अब बड़ा होने लग गया है। और जब मैंने पिछली बार लास्ट ईयर से लगाया था तो ये काफ़ी इसमें एक ही फ्रूट लगा था, यानी कि जब भी आप कोई फ्रूट प्लांट लेकर आते हैं ग्रो करते हैं तो फर्स्ट जो साल होता है या तो उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी, जो क्योंकि हम जब भी उसे रिपोर्ट करते हैं तो उसके जो जितने भी फल होते हैं फूल आ रहे थे वो मैक्सिमम झड़ जाते हैं। उसका एक रीज़न होता है कि प्लांट जो है अपनी रूट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो जो अपनी रूट्स होती है उनको डेवलप करता है, तो इस पर उसका ध्यान नहीं होता। तो नेक्स्ट ईयर जब आपके यहाँ फ्रूटिंग होती है तो इस तरीके से ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे ये फ्रूटिंग इंक्रीज़ होती है। यानी कि जैसे अभी आपके नेक्स्ट ईयर मान के चलिए 5 से 6 फल भी लगे, उससे ज़्यादा भी लगे, तो उससे जब नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे तो उसमें ज़्यादा फल लगेंगे। तो ये देखिए, अभी इसमें काफ़ी सारे जो हैं इसमें हालांकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और फ्रूटिंग भी अच्छी हुई थी, बट वही होता है कि क्योंकि प्लांट की एज के अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना होल्ड कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट छोटा है और फ्रूट ज़्यादा लगेंगे तो उनको होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए प्लांट जैसे जैसे आपका पुराना होगा उस अकॉर्डिंग ही जो है इसमें फ्रूटिंग होती है। यानी कि फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग मैक्सिमम होगी, बट जितना प्लांट होल्ड कर सकता है उतनी फ्रूट्स को रखता है। और देखिए, मैं आपको जो है अपने ग्रेप्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से जो मेरे ग्रेप्स हैं, अभी ये जो मेरा ग्रेप्स है ये 1 साल हुआ है इस प्लांट को, और ये जो मेरा कलर है ये जो रेडिश कलर होता है वो वाला ग्रेप्स है, और थोड़ी सनलाइट इस बार भी प्रॉपर अभी इतनी नहीं मिल रही, क्योंकि जो इतने भी फ्रूट प्लांट हैं, देखिए जैसे मैंने अपना ऑरेंज आपको ये दिखाया है,
या फिर जैसे देखिए ये गवावा जो लगे हुए हैं, इनको जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छे ये फल जो है, फल को पकने के लिए सनलाइट प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो ये देखिए अभी बंच में जो आ रहे हैं ग्रेप्स, ये देखिए अभी इनका जो कलर है वो प्रॉपर नहीं आया, यानी कि अभी इन्हें टाइम लगेगा। और जबकि पिछली बार जो है मई में मेरे यहाँ पे जो ग्रेप्स है पक गए थे, इस बार थोड़ा सा लेट है। इसका रीज़न यही है कि सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ही देखिए मैंने जो अपने टेरेस पर कोई भी किसी भी तरह की शेड भी नहीं लगाई हुई, क्योंकि एक तो मेरे लिए ये थोड़ी जो है पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो है मैंने फ्रूट प्लांट्स काफ़ी ग्रो किए हुए हैं, तो इन फ्रूट प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट मिलनी ही चाहिए। अगर इन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे, इनमें जो है फ्रूटिंग बहुत कम होगी। कम से कम 6 से 7 घंटे की जो है धूप ज़रूरी है। और ये देखिए कईयों ने मेरे पपाया प्लांट के बारे में पूछा था, जिसे मैंने लगाया था अभी 8-9 मंथ ही इसे हुए हैं, और ये देखिए इसमें अभी फ्लावरिंग जो है हो रही है, बट अभी थोड़ा प्लांट की ग्रोथ देखिए मैंने इसका क्या किया था, इसका एक रीज़न भी है कि अब तक फ्लावरिंग हो भी जाती शायद, क्योंकि मैंने इसे रिपोर्ट किया था, मेरी जो बकेट थी वो टूट गई थी तो इससे मुझे रिपोर्ट करना पड़ा। बट अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, यानी कि मेरा प्लांट अब हेल्दी हो गया है। पहले छोटी बकेट में था तो थोड़ा स्टेम कमज़ोर था, लेकिन अब आप देखिए कितना अच्छा इसका स्टेम हो गया है। तो साल भर बाद इसमें जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये है मेरे लेमन, और देखिए इस समय तो लेमन का बहुत ज़्यादा कोरोना टाइम में चल रहा है, वैसे भी लेमन हेल्थ के इश्यू से काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से बिग होने लगे हैं, और वही रीज़न है कि पिछली बार जो है मई मंथ में ये काफ़ी अच्छे येलो हो गए थे, और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि रीज़न ये था कि इतनी ज़्यादा धूप थी उस समय कि हाँ मतलब जो इनकी स्किन हो रही थी वो ख़राब होने लगी थी। और इस बार धूप कम है तो अभी थोड़ा सा इनको जो है टाइम इनको लगेगा। ये देखिए काफ़ी सारे लेमन आए हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े हैं इसके अंदर। और ये देखिए मेरे चीकू का प्लांट, और इसकी भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है, बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी, इतनी सारी बर्ड्स जो हैं आई हुई हैं, एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो कलियों से भरी हुई नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए एक फ्रूट जो है मैच्योर हो गया है, बट ये अभी कच्चा है। ये देखिए दबाने से भी हम देख रहे हैं बहुत टाइट है, तो ये भी कच्चा है। और ये देखिए मेरा जो है करौंदे का प्लांट है, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था। काफ़ी क्वेश्चंस थे कि जो इसे कैसे ग्रो करें, तो जो सीड्स हम जो करौंदा खाते हैं, जो पका हुआ फल हो, आप उसी से इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स को लगा दीजिए, और देखिए 3 साल बाद मेरे जो है इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। देखिए ये एक कुछ ही फ्लावर आए थे, ज़्यादा फ्लावर इस बार नहीं आए। उसका रीज़न है कि मैं थोड़ा सा 15 दिन अपने प्लांट्स की देखभाल नहीं कर पाई, तो ये एक रीज़न था, इस वजह से इसमें जो है थोड़ी फ्लावरिंग कम हुई। नेक्स्ट ईयर अब मुझे ये कन्फर्म हो गया है कि अब मेरे इसमें फ्रूटिंग होगी। और ये देखिए मेरा एप्पल बेर का प्लांट है, और इसमें भी काफ़ी अच्छे से देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बट ये फ्लावरिंग जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है। इसका रीज़न है कि जो इसमें सितंबर में जब बारिश के बाद जब अगस्त सितंबर में इसमें फ्लावरिंग होगी, वो जो है एप्पल बेर में फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है। और ये देखिए मेरा जो है जामुन का प्लांट है, और ये देखिए मेरे टेरेस पर जो है, मैं आज बेल पत्र भी दिखा देती हूँ, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। और देखिए मेरे बेल पत्र की कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, कितनी अच्छी इसमें लीव्स आ रही हैं। और मेरा बनाना प्लांट भी देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देखिए। ये हालांकि मैंने पूजा के पर्पज़ से लगाया, बट काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। और देखिए इस तरीके से इसमें जो है छोटे पफ्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, और देखिए एक छोटी सी ही ये ब्रांच थी, और अब देखिए इसकी ग्रोथ जो है कितने अच्छे से हो गई है। ये देखिए काफ़ी जो है इसकी ग्रोथ अच्छे से इसकी हो गई है। अब इसे मैं थोड़ा मौसम जब अच्छा हो जाएगा तब इसे एक बड़े पॉट में जो है शिफ्ट कर दूंगी, ताकि इसकी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो पाए, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा आड़ा तिरछा सा कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ होती है, तो हमें स्टिक के ज़रिए इसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए मेरा चाइना ऑरेंज का प्लांट, इसमें भी अभी कुछ जो छोटे छोटे ऑरेंजेस आ रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा अनार का प्लांट है, और अभी मैंने मार्च के मंथ में ही लगाया था, और बहुत छोटा प्लांट है,
इसका आप मेरा वीडियो देखेंगे तो बहुत छोटा सा मैंने इसे प्लांट लिया था, और देखिए इसकी ग्रोथ मेरे इस प्लांट की कितनी अच्छी हुई है। और मैंने इसे अच्छे से एक बड़ी बकेट के अंदर जो लगाया हुआ है, और देखिए फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी हेल्दी इसकी जो है ग्रोथ है। ये देखिए इस तरीके से, ये मेरा अनार का प्लांट है, और ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। और ये देखिए मेरा इलायची का प्लांट, जिसमें पहली बार जो है फ्लावरिंग हुई है, ये देखिए 3 साल के बाद, और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हुई। थोड़ा बारिश का पानी इनमें काफ़ी ज़्यादा कुछ लग गया फ्लावर्स पर, तो ये देखिए फ्लावर्स कुछ डैमेज भी हो गए हैं। तो ये मेरा इलायची का प्लांट भी जो काफ़ी सक्सेसफुली देखिए मेरे टेरेस पर जो है ग्रो हो गया है। और ये देखिए किसी ने मुझसे आंवले के प्लांट के बारे में भी पूछा, तो देखिए मेरे आंवले के प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और पानी का आप थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखें कि पानी का, कई लोग अक्सर ओवर वाटरिंग कर देते हैं या लेस देन वाटरिंग होती है, उससे भी प्लांट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये तो कम से कम बहुत ही छोटे से, आप ये देखिए जो ऑयल का कंटेनर होता है उसी के अंदर 3 साल से लगा हुआ है, और मेरे प्लांट की ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से। तो इसलिए आप प्रॉपर देखभाल करें, थोड़ा सा पेस्ट कंट्रोल भी करें। वैसे तो इसे कोई डिजीज़ तो मैंने देखी नहीं है। और ये देखिए बस मेन है प्रूनिंग। अगर आप पॉट में ग्रो करते हैं किसी भी प्लांट को, तो प्रूनिंग का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो अगर हम प्रूनिंग करते रहें प्लांट की, फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, वाटरिंग का ध्यान रखें, और जैसे ये आंवला का प्लांट है उसे प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए। अगर हम इसकी सनलाइट का ध्यान भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, कोई इसे प्लांट को जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से देखिए आप अपने टेरेस पर बहुत सारे जो है फ्रूट प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए कि जब बारिश का मौसम आए तो आप इस तरीके के प्लांट्स को ख़रीदें, तब उन्हें आप ग्रो करें, और धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि एक बार में 8 से 10 जो है आपने फ्रूट प्लांट खरीद लिए और आपने लगा दिए, तो आप प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाएंगे। एक एक दो दो करके आप प्लांट्स लीजिए, फिर एक एक्सपीरियंस होता है हमारा उसके साथ में। जैसे जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हमारा उसके प्रति काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसको क्या चाहिए, किस समय से फर्टिलाइज़र चाहिए, किस समय इसकी जो ग्रोथ होती है। तो आप बहुत अच्छे से पॉट में भी सक्सेसफुली जो है फ्रूटिंग ले सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।